हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के डेली करंट अफेयर सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं 9 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स पर चर्चा। इससे पहले मैं अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स और जीएस का अपडेट मिलता रहे। और इस समय मैं ज्योग्राफी के डेली एक या दो वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस मैं कवर करूँगा लगभग 1 महीने के अंदर। तो इसका डेली अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं और मैं और वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। और पूरा का पूरा जीएस और करंट अफेयर्स का सेशन मैं जो है चलाता रहूँगा ऐसे ही। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2017। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन 8 नवंबर 2017 से हैदराबाद तेलंगाना में शुरू हो गया है। यह महोत्सव द गोल्डन एलिफेंट के नाम से मशहूर है और यह विश्व का सबसे बड़ा चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल होगा। तो इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। किस डेट को किया गया? 8 नवंबर 2017 से किया गया। और सबसे मुख्य बात है कि इस फेस्टिवल को, यानी कि इस महोत्सव को द गोल्डन एलिफेंट के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल है। अगला है मैरी कॉम। देखते हैं मैरी कॉम क्यों चर्चा में है। मैरी कॉम 5 स्वर्ण जीतने वाली पहली एशियाई मुक्केबाज बन गई हैं। मणिपुर की 35 वर्ष की बॉक्सर ने उत्तर कोरिया की किम हयांग को 5-0 से हराकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन वियतनाम के चीन मिन शहर में हुआ। अब इसमें आपको परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है कि इन्होंने किसको हराकर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये किम ह्यांग हैं, ये उत्तर कोरिया की बॉक्सर हैं। तो किम ह्यांग को 5-0 से हराकर मैरी कॉम ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके साथ साथ ये एशिया की पहली 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज बन गई हैं। अगला पॉइंट है निर्भय। तो देखते हैं निर्भय क्या है। भारत ने स्वदेश निर्मित और लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। तो आपसे परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि निर्भय क्या है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको टिक करना है। निर्भय जो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको भारत ने निर्मित किया है और ये 300 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है। अगला पॉइंट है भारत ने ओडिशा उच्च शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सीलेंस एंड इक्विटी प्रोजेक्ट के उत्कृष्ट एवं निष्पक्ष परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 11.9 करोड़ डॉलर के ऋण का समझौता किया है। अब इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है कि भारत ने किसके साथ, किस राज्य के लिए ये समझौता किया है? तो ओडिशा के उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए किया है, वर्ल्ड बैंक के साथ। और इस समझौते की राशि जो है वो 11.9 करोड़ डॉलर है। अब इसमें देखते हैं हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से भी पूछा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट जिम योंग किम हैं और इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिस्टलिना जोर्जीवा हैं और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। 5वां पॉइंट है इंडियन रिफैक्टरीज मेकर्स एसोसिएशन यानी कि IRMA ने IIT BHU वाराणसी के साथ करार किया है। देखते हैं क्या करार किया इन्होंने। इस करार के तहत IIT BHU के सेरामिक्स विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिफैक्टरीज शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है मनु शर्मा। देखते हैं मनु शर्मा क्यों चर्चा में है। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा उपन्यास कृष्ण की आत्मकथा लिखने वाले साहित्यकार मनु शर्मा का निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। तो मनु शर्मा एक हिंदी के साहित्यकार थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा उपन्यास लिखा था। इनके उपन्यास का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इनके उपन्यास का नाम है कृष्ण की आत्मकथा। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार यश भारती दिया जा चुका है।
और ये प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़े थे। तो मनु शर्मा जो है हिंदी के एक साहित्यकार थे और इनकी प्रसिद्ध उपन्यास जो है कृष्ण की आत्मकथा हिंदी साहित्य की सबसे बड़ा उपन्यास है। सातवां पॉइंट है एल्टन जॉन। देखते हैं एल्टन जॉन क्यों चर्चा में है। हार्वर्ड फाउंडेशन ने एचआईवी और एड्स के खिलाफ मुहिम के लिए जाने माने गायक एल्टन जॉन को पीटर जे गोमेज ह्यूमैटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो एल्टन जॉन एक सिंगर हैं और इन्होंने जो है एचआईवी एड्स के खिलाफ मुहिम चलाई है, जिसके लिए इनको पीटर जे गोमेज ह्यूमैटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आठवां पॉइंट है एशिया कप विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम FIH की नवीनतम विश्व रैंकिंग में दो पायदान चढ़कर शीर्ष 10 में पहुंच गई है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में विजय हासिल की थी। और नोट करने वाली चीज़ है कि भारत ने रैंकिंग में स्पेन को पछाड़कर 10वां स्थान हासिल किया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत ने किस देश को पछाड़कर FIH की नवीनतम रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो स्पेन को हराकर किया है, पछाड़कर किया है। और नवा पॉइंट है HDFC बैंक। देखते हैं HDFC बैंक क्यों चर्चा में है। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने RTGS व NEFT के जरिए किए जाने वाले लेन देन को 1 नवंबर से निःशुल्क कर दिया है। तो ये RTGS और निफ्ट जो है ये फंड ट्रांसफर का एक माध्यम है। अब ये प्रोसेस जो है निःशुल्क कर दिया है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा HDFC बैंक में। 10वां पॉइंट है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने ऑनलाइन करियर एवं रोजगार दिलाने में मदद करने वाली कंपनी मास्टर इंडिया के साथ गठजोड़ किया। दोनों मिलकर देश भर में फ्रेशरों और छात्रों को नौकरी दिलाने में मदद के लिए काम करेंगे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि AICTE ने हाल ही में किस संस्थान के साथ गठजोड़ किया है। तो मास्टर इंडिया के साथ किया है। किस लिए किया है? रोजगार दिलाने के लिए। किसको? जो देश भर में फ्रेशर यानी कि जो नए नए छात्र जो हैं नया कोर्स कंप्लीट करके नौकरी की तलाश करते हैं, उनकी मदद करने के लिए इन्होंने ये करार किया है। 11वां है संप्रीति सेवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने मेघालय के उमरोई छावनी में संप्रीति सात में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। ठीक है, तो ये संप्रीति सेवन जो है भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेना का अभ्यास है, नेवी का नहीं है। ठीक है, तो संप्रीति सेवन जो है भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये जो है मेघालय के उमरोई छावनी में स्टार्ट हो गया है। 12वां पॉइंट है रॉबर्ट मुगाबे। देखते हैं ये कौन है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को WHO के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मुगाबे को गैर संक्रामक बीमारियों से निपटने में मदद के लिए नियुक्त किया गया है। और मुख्य पॉइंट है कि मुगाबे पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने WHO के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति पाई है। तो रॉबर्ट मुगाबे जो हैं ये WHO के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और सबसे मुख्य बात है कि ये अफ्रीका के हैं और सबसे पहले अफ्रीकी हैं जिन्हें WHO के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है संजीव कौशिक। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। संजीव कौशिक को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आपसे परीक्षा में तीन चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला है कि किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, तो संजीव कौशिक याद रखिएगा। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान चेयरमैन अजय त्यागी हैं, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं अजय त्यागी। 14वां पॉइंट है हिमाचल प्रदेश। देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। अभी इसमें चुनाव कार्यक्रम चल रहे हैं इसलिए चर्चा में है। और हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो विधानसभा चुनाव के दौरान सभी बूथों पे VVPAT मशीनों के साथ EVM का इस्तेमाल करेगा। तो आपसे पूछेगा VVPAT का फुल फॉर्म क्या है। तो VVPAT का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो VVPAT का फुल फॉर्म याद रखिएगा। और EVM का तो पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। 15वां पॉइंट है चेन्नई। चेन्नई क्यों चर्चा में है।
चेन्नई को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में संगीत में योगदान के लिए शामिल किया गया है। और मुख्य बात क्या है कि इस लिस्ट में 44 देशों के 64 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें चेन्नई को तीसरा स्थान मिला है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में चेन्नई को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा। और सबसे मुख्य बात है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। तो ये सारे तथ्य याद रखिएगा। आज का करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।